नमस्कार, IBL 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अजय आहूजा आपके साथ। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के दावों की मध्य प्रदेश में 60 लाख फर्जी मतदाता है, इस बात को विपक्ष को बल मिलता नजर आ रहा है। रायसेन जिले की उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में 28,000 फर्जी वोटर मतदाताओं का ताजा मामला सामने आया है। एक फोटो के तीन तीन नाम सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने आज बरेली SDM कार्यालय पहुंचकर इस बात को लेकर दिया ज्ञापन। देखिए पूरी खबर नितेश मेहरा के साथ IBL 24 न्यूज पर। 5 वर्ष में प्रजातंत्र से यज्ञ में आहूतियाँ दी जाती है और जो हमारा प्रबुद्ध मतदाता है वो मतदान के द्वारा शासन को वो बनाता शासन बनाता है। अभी काफी दिनों से ये सब चल रहा है कि मतदाता सूची वोटर लिस्ट में काफ़ी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि जब से ये सरकार आई ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मान के नहीं चल रही है। हमारे प्रदेश के मुखिया या देश के मुखिया प्रजातांत्रिक मूल्यों का जिस तरीके से हनन कर रहे हैं आज उसकी जीत जा चुकी है। जो ज्ञापन दिया है और इतने फर्जी मतदाताओं का होने की बात कही है, इसमें सर आपने क्या जांच करेंगे?